हेलो फ्रेंड्स, फलादेश में नवांश कुंडली की क्या उपयोगिता है या नवांश कुंडली कितनी महत्वपूर्ण है, आज उस पर कुछ चर्चा करते हैं। अभी वर्तमान ज्योतिष के युग के परिप्रेक्ष्य में और इंस्टेंट एस्ट्रोलॉजी के युग में बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें इतनी मिसगाइड करने वाली बाजार में चलने लगी है कि नए ज्योतिष के छात्र का, न्यू लर्नर का दिमाग जो है चक्कर घिन्नी बनकर रह गया है। मैं या मेरे जैसे कुछ लोग कोशिश करते हैं कि ज्योतिष को ट्रैक पे रखा जाए, लेकिन हमारी आवाज कभी कभी नकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती है, जिसे कोई नहीं सुनता या कोई नहीं सुनना चाहता। बात वही फिर वो बाबा वाले वीडियो की तरफ चली जाएगी कि जिस बाबा या संत ने सत्य कह दिया वो फिर दुनिया की नजर में बुरा बन गया, उसको कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसको कुछ चमत्कार आता ही नहीं। और चमत्कार का एक उदाहरण तो मैंने आपको दिया ही पिछले वीडियो में, बाबा वाले वीडियो में, कि कैसे होम्योपैथी की दवाई का इस्तेमाल करके पानी दे के रोगी को ठीक किया जा रहा है पूजा के नाम पे। तो चलिए, नवांश कुंडली की उपयोगिता क्या है। जैसा कि मैं कह रहा था कि वर्तमान समय में कई तरह की नई धारणाएं पोषित और पल्लवित या पुष्पित और पल्लवित की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं नवांश से हम गोचर का फलादेश करते हैं, नवांश से हम गोचर करेंगे। और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग लग्न कुंडली को उठा के फेंक दे रहे हैं प्रशांत महासागर में और वर्ग कुंडलियों पे फलादेश कर रहे हैं। यानी ये जब भी मुंह खोलेंगे तो वर्ग कुंडलियों की ही बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू D10, अकॉर्डिंग टू D9, अकॉर्डिंग टू D24, अकॉर्डिंग टू D45, अकॉर्डिंग टू D500, अकॉर्डिंग टू D1800, अरे बाप रे बाप, सांस फूल गई। तो हमेशा अकॉर्डिंग टू डी चार्ट्स ही बात होती है। अकॉर्डिंग टू लग्न, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ लग्न, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन लग्न, उसकी बात करने में लगता है शर्म आती है। उन्हें लगता है कि हम इंटेलेक्चुअल्स नहीं रह जाएंगे ज्योतिष के। ज्योतिष का इंटेलेक्चुअल्स बनना है तो वर्ग कुंडलियों की बात करें, हमसे दृष्टिकोण की बात करें, वर्ग कुंडलियों की बात करें, क्योंकि हमें इंटेलेक्चुअल्स बनना है ज्योतिष का। लग्न कुंडली की आत्मा है नवांश कुंडली, या यूं कहें कि जितनी भी वर्ग कुंडलियां हैं वो सारे लग्न कुंडली की आत्माएं ही है, या लग्न कुंडली की ब्रेकेज है। लग्न कुंडली के अलावा या लग्न कुंडली को इरिलेवेंट अगर कर लिया जाए तो वर्ग कुंडलियों का कोई अस्तित्व नहीं बचता। नवांश कुंडली से गोचर का फलादेश करने की कोई तुक ही नहीं बनती है, जो कि आजकल कही जा रही है। अगर नवांश कुंडली से अगर आप गोचर का फल अगर बताते हैं तो D10 ने कोई दोष नहीं किया, उससे भी आप फिर गोचर बताइए, या D60 से भी बताइए, तो वहां से फिर गोचर पकड़िए। तो ये गलत परंपरा पड़ रही है कि नवांश कुंडली से गोचर का फल बताना शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह कि नवांश कुंडली को लग्न मानकर फलादेश करना शुरू कर दिया कई लोगों ने। नवांश कुंडली का लग्न कहाँ है, लग्नेश कहाँ है, पंचम में कौन है, तो दशम में कौन है, तो सप्तमेश कहाँ है नवांश का, वो इस तरह कुछ लोग बातें करते हुए मिलते हैं कि हमें सुनते वक्त समझ में ही नहीं आता कि ये लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं या नवांश कुंडली की बात कर रहे हैं। तो चलिए, मैं इधर उधर की बात नहीं करके मैं एक्चुअल नवांश कुंडली की जो उपयोगिता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने पिछले नवांश वाले वीडियो में D9 चार्ट्स कैसे निकाले या D9 चार्ट कैसे बनती है, उस वीडियो में मैंने कैसे बनती है पे जोर दिया था, उसी के समझ लीजिए कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्चुअली नवांश कुंडली की उपयोगिता क्या है। अगर आपको प्लैनेट के डिग्री के हिसाब से अगर आपको पकड़ने में महारत हासिल नहीं है कि नवांश में वो किस राशि में हो सकता है, तो नवांश की चार्ट बनी हुई आपके सामने उपस्थित है। अगर आपके अंदर कुवत है कि आप प्लैनेट की डिग्री को देखकर अगर समझ जाएं
कि प्लैनेट किस नवांश में हो सकता है, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आपको नवांश चार्ट की कोई जरूरत नहीं। देयर आर नो यूज ऑफ नवांश चार्ट टू सी। आपको नवांश चार्ट बनी बनाई सामने इसलिए रख दी जाती है ताकि आपको पता चले कि नवांश में ग्रहों की स्थिति क्या है। अब नवांश से क्या देखना है आपने, एक्चुअली प्रेडिक्शन में इसका क्या आपको पता चल रहा है, प्रेडिक्शन में नवांश आपको क्या मदद कर रही है। सबसे पहली और सबसे अच्छी मदद ये कर रही है कि प्लैनेट का बल, ग्रह के बल को समझने में नवांश कुंडली जो है आपको सहायता करती है। कैसे करती है, लग्न कुंडली में अगर प्लैनेट गलत प्लेसमेंट में है, या लग्न कुंडली में प्लैनेट अगर डेबिलेटेड है या नीच का है जिसे कहते हैं, तो वो अगर नवांश कुंडली में अच्छी स्थिति को प्राप्त हो रहा है, यानी नवांश कुंडली में वो एग्जॉल्टेड दिखाई दे रहा है, एग्जॉल्टेड राशि में दिखाई दे रहा है। हालांकि टेक्निकली मैं शायद किसी वीडियो में बता चुका हूं कि कोई ग्रह अगर डेबिलेटेड है अगर कुंडली में डिग्री वाइज, तो नवांश में वो एग्जॉल्टेड नहीं हो सकता, वो डिग्री वाइज डेबिलेटेड है। अगर तो अगर मैं चेक करूंगा, अगर वीडियो मैंने इस पे नहीं डाला है, या आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मुझे, अगर मैंने नहीं डाला है तो इस पे मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि सभी ग्रहों की उच्च और नीच होने की एक निश्चित डिग्री होती है, उस डिग्री के बाद वो उच्च के नहीं रह जाते, परमोच्च डिग्री को क्रॉस करके फिर वो नॉर्मल हो जाते, या नीच की डिग्री भी है तो उस नीच की डिग्री की परमोच्च या परम नीच स्थिति पे आने के बाद वो फिर न्यूट्रल, यानी कि फिर नीच नहीं रहते। जब वो नहीं रहते उस वक्त नवांश में वो एग्जॉल्टेड या डेबिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर डेबिलेटेड राशि में कोई ग्रह है तो नीच राशि में तो है, यानी उसकी प्लेसमेंट जो है वो तो अच्छी नहीं है, तो नवांश में उसकी प्लेसमेंट देख ली जाती है। तो नवांश कुंडली की सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि आपके प्लैनेट में कितना बल है उसके, जैसे कि वर्गोत्तमी अगर कोई प्लैनेट है तो वो फिर बलशाली कहलाता है, क्योंकि एग्जॉल्टेड प्लैनेट के बाद वर्गोत्तमी प्लैनेट ही सबसे शक्तिशाली होता है आपकी कुंडली में। तो आप लग्न कुंडली देखकर कैसे समझेंगे कि कौन सा प्लैनेट लग्न में वर्गोत्तमी हो गया, या कौन सा प्लैनेट लग्न में अच्छी पोजीशन में है, अच्छे भाव में है, तो कैसे समझेंगे, वो आपको नवांश कुंडली देख के समझना होता है, अगर आपको डिग्री वाइज आइडिया नहीं है नवांश कुंडली बनाने का। तो नवांश कुंडली की सबसे मुख्य उपयोगिता यही है कि लग्न कुंडली में बैठे हुए किसी प्लैनेट में कितना दम है वो समझें, और वर्ग कुंडलियों की जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस यही है कि कोई प्लैनेट अगर आपकी लग्न कुंडली में फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है या नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, पर्टिकुलर किसी प्लैनेट को अगर आप पकड़े चुन लें, तो आप सभी वर्ग कुंडलियों में उस प्लैनेट की प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं कि वो अपनी स्वग्रही है या एग्जॉल्टेड राशि में, ज्यादातर एग्जॉल्टेड राशि में है, या ज्यादातर वर्ग कुंडलियों में वो स्वग्रही है, या ज्यादातर वर्ग कुंडलियों में वो डेबिलेटेड राशि में है, या ज्यादातर वर्ग कुंडलियों में वो 6-8-12 को प्लेसमेंट हो गया है। तो वर्ग कुंडलियों से आप यह सबसे बेहतरीन चीज जो पकड़ सकते हैं कि प्लैनेट कितना बलशाली है, जैसे कि कोई प्लैनेट लग्न कुंडली में अगर छठे भाव में है या अष्टम भाव में है, और आपने वर्ग कुंडलियों में 16 वर्ग कुंडलियां जो 16 कुंडलियां होती हैं उसमें अगर 8-10 में भी वो 6-8-12 में चला गया, तो वो प्लैनेट वीकनेस को प्राप्त हो, यानी खराब होता है, वो अच्छा नहीं कहलाता। वर्ग कुंडलियों को समझने की ये भी एक कला है, या वर्ग कुंडलियों को समझने का ये भी एक तरीका है कि वर्ग कुंडलियों से हम कैसे फलादेश करें, या वर्ग कुंडलियों का हम क्या उपयोग करें, ये प्रश्न अक्सर आता है हमारे सामने। मित्रों, मैं ज्योतिष को काफी सरल तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं दो एक लोगों के बारे में बोलूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे नाम याद भी नहीं है, लेकिन देखिए दाम्भिक कमेंट मेरे वीडियोस पे मत कीजिए, मैं आप जैसे बड़े ज्ञानियों के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूं। इस तरह के कमेंट मत मारिए कि क्या बोल रहे हो, टेक्निक बताओ। टेक्निक बतानी है, टेक्निक समझनी है, बाल सफेद करने के बावजूद, इतने बड़े बड़े संस्थानों से जुड़े होने के बावजूद आपको टेक्निक नहीं आती है, तो मेरे ईमेल में मेलवा कीजिए, तब मैं आपको टेक्निक दूंगा वहां पर कि टेक्निक क्या है। ओके, इस तरह के कमेंट मत मारिए। आपको जलन हो रही है, अगर किसी को जेलसी हो रही है, तो आई डोंट केयर। मैं साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, साधारण लोगों की समझ के लिए वीडियोस बनाता हूँ, ज्ञानी तो भाई बहुत बड़े बड़े, उनके लिए नहीं बनाता मैं।
किसी भी चीज को सरल तरीके से प्रस्तुत करना मैं अपनी काबिलियत समझता हूं, और मैं समझता हूं कि सरल तरीके से लोगों की समझ में आना चाहिए। क्रिटिकल नहीं बनानी है चीज को, ये जो क्रिटिकल बना के पेश करना या वो D9 D10 वर्क कुंडली D500 करना और बड़े घुमा फिरा के बातों को करना, और फिर हर चीज का उपाय है, यस आई कैन चक्कर है, लेकिन फिर भी हो कुछ नहीं रहा है, तो मैं कुछ हो जाएगा कह के मैं किसी को फिशिंग करने की कोशिश नहीं करता। मैं सरल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आज मुझे एक व्यक्ति के कमेंट पे बहुत बुरा लगा, उम्रदराज व्यक्ति है, वो किसी ज्योतिष के अच्छे संस्थान से या यूट्यूब पे भी बड़े फेमस संस्थान से जुड़ा हुआ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसके कमेंट करने का तरीका और उसके कमेंट करने का एटीट्यूड, ज्यादा बोलूंगा तो गलत निकलने लगेगा मेरे मुंह से। मुझे मालूम है ज्योतिष कितने पानी में होते हैं, या मैं खुद ज्योतिष होने के नाते मुझे अपनी औकात भी पता है और मैं कितने पानी में हूँ वो भी मुझे मालूम है। इसलिए मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब पे भी नहीं बोलता, ना ही मैं किसी क्लाइंट को उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा कहकर किसी को बुलाने की कोशिश करता हूं। मैं जो सत्य है ज्योतिष का, जो कुंडली का सत्य है, या एस्ट्रोलॉजी की जो सीमा है, मेरे हर वीडियो में, हर दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि मैं ज्योतिष की सीमा क्या है, वो भी मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, और लोगों को कर्मोन्मुखी होने की सलाह देता हूं ज्यादातर। तो वर्क कुंडलियों की यही उपयोगिता है जो मैंने बताई है, या ये भी एक अच्छी खासी उपयोगिता है, किसी को इससे ज्यादा बेटर जानकारी अगर है तो वो उसे इस्तेमाल कर सकता है, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन D9 चार्ट का या नवांस का जो मुख्य उपयोग है, प्लेनेट की पावर को समझना ही मुख्य उपयोग है D9 चार्ट का। अदरवाइज D9 चार्ट से वो गोचर देखेंगे, D9 चार्ट के पंचम में शनि था तो ये हुआ वो, ये सब फालतू की जगलरी और ये सर्कसगिरी का कोई कीमत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी लगा रहे, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। मैं साधारण लोग, साधारणता ज्योतिष को जो सरल तरीके से समझना चाहते हैं, और इस तरह की साधारण बोली और भाषा का इस्तेमाल करता हूं जो किसी के भी समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि एक शब्द पे मैं चंद्रबिंदु लगाऊं और दूसरे पे चंद्रबिंदु हटाऊं करके इस तरह की कोई बातें करूं जो सर के ऊपर से निकल जाए, और फिर जाने दीजिए, ये दुनिया है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलेगी। तो ये इस तरह के कमेंट मत कीजिए, टेक्निक बताइए, टेक्निक पैसा दीजिए आके सीखिए, टेक्निक बता दूंगा मैं, टेक्निक कैसे होती है, ठीक है। वर्क कुंडलियों की नॉर्मल उपयोगिता यही है, बाकी वर्क कुंडलियों की बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाले, वर्क कुंडलियों से एक भी फलादेश करके दिखाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई आज तक नहीं D10 से गारंटी करके बता सकता कि यही बिजनेस वो कर सकता है, यानी D10 से जो व्यवसाय देखते हैं वो ये नहीं बता सकता 100% कि यही व्यवसाय ये बंदा करेगा। वो भी तो बड़ा तमाशा है कि जब कंपटीशन या किसी तरह के कुछ लगाई जाती है तो व्यवसाय तो सिर्फ यही बताया जाता है कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, एरोनॉट्स है, हवाई जहाज चला रहा होगा, पानीपुरी बेच रहा होगा, कोई नहीं बोलता है। तो छोड़िए, जाने दीजिए इनके पीछे के सत्य, ये जो कंपटीशन होती है या जो क्विजेस होती है ज्योतिष की, या इस पे क्या नौटंकी चलती है, मुझे नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, क्योंकि मैं उसी पेशे का व्यक्ति हूँ। रहने दीजिए, आप अपने 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 विचार से अपने अपने निर्णय लीजिए। D9 चार्ट्स पे जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है कि D9 चार्ट से आप क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और वर्क कुंडलियों की बेहतरीन उपयोगिता मैंने आज आपको बता दी कि अगर आपका लग्नेश लग्न में अच्छी जगह पे प्लेसमेंट है, और 16 वर्क कुंडलियों में, 16 वर्क कुंडलियों में, उन 16 कुंडलियों में अगर 10 जगह भी लग्नेश अच्छी जगह पे प्लेसमेंट है तो आपका लग्नेश बहुत मजबूत है। अब इसको दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू से देख लीजिए, अगर 10 कुंडलियों में वो गलत जगह पे प्लेसमेंट हो गया तो आपका लग्नेश जो है थोड़ा गड़बड़ पोजीशन में है, अच्छी प्लेसमेंट में अगर नहीं है ज्यादातर वर्क कुंडलियों में। तो वर्क कुंडलियों को समझने की ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, और जन्मकालीन समय की वजह से वर्क कुंडलियों की उपयोगिता थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, इसे आप प्रश्न कुंडली में इस्तेमाल कीजिए।
वर कुंडली को प्रश्न कुंडली में इस्तेमाल कीजिए कि D10 क्या आ रही है, D9 क्या आ रही है, D7 क्या आ रही है, वहां से कोशिश कीजिए फलादेश पकड़ने की, मेहनत कीजिए, इस पे मेहनत लगेगी। हालांकि प्रश्न कुंडली में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि वो एज पर मी मैं तो सीधा केपी होरारी का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं डी चार्ट का या वर्क कुंडलियों का होरारी में कोई उपयोग नहीं करता। लेकिन चूंकि मैं वर्क कुंडलियों की बात कर रहा हूँ, तो वर्क कुंडलियों का इस्तेमाल ये भी हो सकता है, प्रश्न कुंडली में भी हो सकता है। हाँ, प्रश्न कुंडली के D10 चार्ट से आप कोशिश कर सकते हैं उसके व्यवसाय को समझने की, लेकिन मैं उस दिन समझूंगा कि आप सही में D10 से फलादेश कर रहे हैं। जिस दिन आप ये फलादेश करने लगेगा, कोई सफेद बाल वाला और कोई दाम्भिक कमेंट करने वाला कि हाँ ये बंदा मेले में गुब्बारे बेचता था सारी जिंदगी, उसकी कुंडली है ये, या ये पानी पूरी बेचने वाला है, या दही भल्ले बेचता था घूम घूम के मोहल्ले में, ये इसका पैसा था, तो मैं समझूंगा ईमानदार क्विज हुई थी और ईमानदारी से कोई पैसा इस तरह से निर्धारित करके बता सकता है। वो खाली डॉक्टर इंजीनियर जाने दीजिए, मैं और तल्ख नहीं होना चाहता। आप D9 चार्ट का ये उपयोग आप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और विषय को लेकर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।